हेलो गाइस, मैसेस सुदीप्त आजरा, आई वेलकम यू ऑल माय चैनल इजी मैक कॉन्सेप्ट। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं GU, GTU अनाउंस इज द ऑफलाइन एग्जाम डिस्पाइट सर्ज इन कोविड केसेस। सो यस, GTU और GU ने जो है अपना टाइम टेबल डिक्लेयर कर दिया है और वो लोग जो है एग्ज़ाम लेने वाले हैं ऑफलाइन मोड में ही डिस्पाइट दी सर्ज इन COVID-19 केसेस। अब सभी को पता है कि COVID-19 केसेस अभी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहे हैं इन पुणे, महाराष्ट्र, मुंबई एंड गुजरात ऑल्सो। गुजरात में भी काफ़ी ज़्यादा अभी हाई पिक पे है और एक दिन में 1000 से 2000 केसेस के बीच में रेगुलरली आ रहे हैं। सो 5 अप्रैल ये आज ही का न्यूज़पेपर क्लिप है, चलिए इस वीडियो को डिटेल में देख लेते हैं। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस और रेगुलर अपडेट जल्द से जल्द मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एंटीसिपेटिंग अ डीप इन COVID-19 केसेस इन गुजरात, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैव स्टार्टेड चॉकिंग आउट प्लान्स टू होल्ड ऑफलाइन एग्जाम्स इन अप्रैल इटसेल्फ। तो केसेस तो अभी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं, लेकिन इसी के बीच में जो है काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ की गुजरात ने जो है अपने एग्ज़ाम्स के डेट जाहिर कर दिए हैं। आफ्टर GU गुजरात यूनिवर्सिटी, दैट इज़ गुजरात यूनिवर्सिटी डिक्लेयर्ड इट्स शेड्यूल फॉर UG एग्ज़ाम बिगनिंग फ्रॉम April 12। तो आज आपको पता है कि 5 अप्रैल जो है आज का डेट है। सो आज से लगभग एक वीक बाद, दैट इज़ फ्रॉम 12 अप्रैल जो है गुजरात यूनिवर्सिटीज़ ने जो है डिक्लेयर कर दिया है कि अपना एग्ज़ाम वो लेने वाली है। देन GTU गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी जिसे हम कहते हैं, उन्होंने भी अपना जो पेंडिंग एग्ज़ाम है, आपको पता है कि 2-3 सब्जेक्ट आपके हो चुके थे और बाकी के जो 2-3 सब्जेक्ट है वो बाकी रह गए थे और इमिडिएटली जो है सारे एग्ज़ाम कैंसल्स या पोस्टपोन आप कह सकते हैं कर दिए गए थे। सो GTU ने जो है उन्होंने भी अपना डिसीजन ले लिया है और April 16 से जो है अपना एग्ज़ाम लेने के लिए उन्होंने शेड्यूल जो है अपने वेबसाइट पर रख दिया है। द मूव टू प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर ऑफलाइन एग्जाम कम्स एट अ टाइम व्हेन कोविड केसेस इन गुजरात आर टचिंग न्यू हाइज एवरी डे। सो अभी कोविड के केसेस रोज़ नए मतलब ज़्यादा से ज़्यादा केसेस बढ़ रहे हैं और नंबर भी काफ़ी डरावने हैं और उसका डेथ परसेंटेज भी थोड़ा अभी हाई हुआ है फिलहाल में। सो द आइडिया मे बी अलाउ स्टूडेंट्स टू बी रेडी इन एडवांस बट स्टूडेंट देमसेल्फ रिमेन वरी। सो इसके चलते क्या हुआ है कि स्टूडेंट्स जो है काफ़ी ज़्यादा वरीज में आ गए हैं, काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ गए हैं। बोथ यूनिवर्सिटीज़ प्लान टू होल्ड ऑफलाइन एग्जाम्स आइदर इन स्टूडेंट्स रिस्पेक्टिव कॉलेजेस और एनी अदर इन देयर ज्यूरिसडिक्शन। बोथ यूनिवर्सिटीज़ हैड टू होल्ड एग्जाम मिड वे एज द स्टेट गवर्नमेंट Ask them not to hold offline exam in wake of increasing cases till April 10. तो गवर्नमेंट जो ने जो है डिक्लेयर कर दिया था कि अप्रैल 10 तक आपके कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगी और आप कुछ भी एग्ज़ाम नहीं ले सकते, जिसके चलते इन्हें क्या हुआ था कि मिडवे अपने मतलब बीच में ही अपने एग्ज़ाम्स जो शेड्यूल्ड एग्ज़ाम्स थे वो भी रोक देने पड़े थे क्योंकि गवर्नमेंट ने क्लियर मना किया था कि 10 अप्रैल तक आप कोई भी एग्ज़ाम नहीं ले सकते। The universities have now started announcing the exam schedules even after the state government on Saturday declared the school should offline exams for class 1 to 9 until further notice. So government ने अभी declare किया कि 1st to 9th का जो है classes offline नहीं ले सकते आप until further notice. उसी समय क्या किया है यहाँ पर officials ने जो है अभी exams के date announce कर दिए हैं। The government had asked us to wait till April 10. We have declared the exam from April 16 as we need to give them a fortnight to prepare, he said. So student को prepare रहना चाहिए, इसीलिए उन्होंने क्या किया कि बीच में 16 अप्रैल को ही एग्ज़ाम रख दिया है। Many students have gone back home after classes. Yes. So जो अभी एग्ज़ाम बंद postpone होने के कारण और online जो है क्लास होने चलते के कारण क्या है, काफ़ी स्टूडेंट अपने घर फिर से वापस जा चुके हैं। तो यूनिवर्सिटीज़ ने इसीलिए ही इतने पहले से 10 दिन पहले से लगभग अनाउंस कर दिया है ताकि लोग क्या है जो अपने इंस्टीट्यूट के जो है सिटी में आके रहने लगे ताकि उनको एग्ज़ाम देने में कोई भी दिक्कत ना हो।
asked if the seat arrangement for students would remain the same as earlier. Their students were allocated exam centers in colleges they study in or nearby colleges. Seth said the university is yet to evaluate the option for seat arrangement. मतलब सीट अरेंजमेंट का अभी भी कुछ भी अनाउंस नहीं किया गया है, इसलिए आपके एग्ज़ाम सेंटर्स में भी थोड़े बहुत चेंजेस हो सकते हैं. अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल सम 80,000 स्टूडेंट्स फ्रॉम गुजरात यूनिवर्सिटी विल अपीयर इन ऑफलाइन एग्ज़ाम एंड क्लोज टू 55,000 स्टूडेंट्स फ्रॉम GTU. तो 80,000 स्टूडेंट्स जो है लगभग GU में से अपीयर होने वाले हैं और 55,000 GTU में से अपीयर होने वाले हैं. सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई होप कि आपको ये वीडियो यूजफुल लगा होगा. इसे अपने फ्रेंड्स के साथ और क्लासमेट्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि अभी स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा टेंशन में है कि एग्ज़ाम कब होगी और ऑफलाइन होगी या ऑनलाइन होगी. सो इस वीडियो से उनको ज़रूर हेल्प मिलेगा. थैंक यू सो मच गाइज. और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन और ऐसे ही अपडेट्स जल्द से जल्द मिलते रहे. थैंक यू सो मच गाइज़.